हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे आज। ये सारा सामान मैंने पैक कर लिया है, इसमें रखा हुआ है मेरा सारा सामान, और बैग में कुछ है, लैपटॉप वगैरह। तो आज मुझे जाना पड़ेगा घर छोड़ के, तो निकल रहा हूँ मैं। व्लॉग को देखते रहना कि मैं कहाँ पहुँचता हूँ, कहाँ पहुँचूँगा घर छोड़ के, अब कहाँ शिफ्ट होने वाला हूँ मैं। तो वैसे थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और जहाँ तक है मैं जाऊँगा मेरठ। मेरठ में रहने वाला हूँ मैं, और आपको अपना रूम वगैरह दिखाऊँगा वहाँ पे, तो व्लॉग पूरा देखना। तो ये मैंने अपना सामान रख लिया सब। फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम, और ये हमारे एक भाई है नरपत भाई। बाकी ये रहा हमारा हॉस्टल, कैलाश प्रकाश हॉस्टल है ये। कैलाश प्रकाश हॉस्टल है CCS यूनिवर्सिटी। तो आज से हम यहीं रहने वाले हैं। दिखाता हूँ आपको हमारा रूम कैसा है, और सामान वामान शिफ्ट करेंगे आज। ले आया हूँ मैं अपनी गाड़ी में सामान डाल के। गाड़ी भी मेरी आज फिर यहीं खड़ी रहेगी, उसके बाद ना यहीं खड़ी रहेगी। तो लोग आइज आ गए हम हॉस्टल के अंदर। ये दो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, और सामने एक गेट है जहाँ से हमने एंट्री ली है। तो हमें बी बिल्डिंग में मिला हुआ है। यहाँ पर हमें सेकेंड फ्लोर पर अलॉट हुआ है रूम, तो ऊपर जाएंगे अब हम। तो ये है गाइस हॉस्टल, ऐसे कमरे बने हुए हैं, सब पे नंबर डले हुए हैं। फिलहाल तो खाली पड़े हुए हैं सब कमरे गाइस। बाकी खाली इस वजह से पड़े हुए हैं ये, क्योंकि जो आपका PG और UG की क्लासेस हैं अभी वो स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो उनके स्टार्ट होने के बाद ये भर जाएगा। यहाँ पे फुल मारा मारी रहने वाली है। तो गाइस सामान लेके जा रहा हूँ मैं अपना, और रूम में सेट करूँगा। सेट करने के बाद देखो, आज शाम को हमें यहीं रुकना है, तो यहीं रुकूंगा आज। अभी क्लास है मेरी, 2 बजे से क्लास लेके आता हूँ। क्लास के बाद आते हैं रूम में, ढंग से सामान सेट करेंगे। फाइनली फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने रूम में। ये मेरा रूम है, रूम नंबर 112 मिला है मुझे। और बाकी हमारे यहाँ पे एक भाई मेरे रूममेट जो है वो घर गए हुए हैं, अभी 3 दिन बाद आएंगे, क्योंकि 3 दिन तक कोई क्लास नहीं थी। बाकी मेरा बिस्तर यहाँ लगा दिया है मैंने यहाँ पर, और ये टेबल मिली हुई है हमें पढ़ने के लिए। चेयर है, टेबल और 2 बिस्तर हैं यहाँ। हमें अलमारी मिली हुई है इधर, अलमीरा में अपना सामान रख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सब चीज़ बढ़िया एकदम। बाकी भाई ने सफाई वफाई भी कर दिया, तो मेरा बहुत सारा काम बच गया। तो गाइस लेके जा रहा हूँ मैं अपना सामान। रूम तो ओपन हो चुका है, रूम में अब ये एक बैग है, और गद्दा था, गद्दा मैंने डाल दिया है। तो अब ये बैग लेके जा रहा हूँ, इसमें मेरे कपड़े वगैरह और मेरी बुक्स हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, और अब मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास में। तो पढ़ाई स्टार्ट हो गई होगी क्लास में, 5 मिनट लेट हो गया हूँ मैं सामान वामान रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्लास तो हो चुके ख़त्म। बहुत लंबी क्लास चली आज, नींद भी आ रही थी काफ़ी बच्चों को, और सबसे ज़्यादा नींद हमारे अंकित भाई को आ रही थी, और भूख भी बहुत तेज लग गई। परांठे आए हमारे पंडित जी के यहाँ पे, परांठे वाले हैं पंडित जी, यूनिवर्सिटी के पास ही है, तो बढ़िया परांठे बनाते हैं, एकदम मज़ेदार, किफ़ायती और मज़ेदार, है ना, इकॉनमी भी है। तो खा पी के पेट के बारे में नहीं सोचे तो देखो पराठा अच्छा खासा है। इसे खा पी के अब हम जाएंगे, देखते हैं अपना रूम सेट करूँगा मैं। तो गाइस, ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही जिम है, तो वर्कआउट करने आया हूँ मैं अब। यहाँ पे वर्कआउट करेंगे 1 घंटा, उसके बाद वापस हॉस्टल चलेंगे अपने। तो फ्रेंड, जिम वगैरह करके आ गया हूँ मैं, देखो कितना पसीना आ गया है। यहीं यूनिवर्सिटी में जिम है, फिज़िकल डिपार्टमेंट में, और बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ भी हैं। मेरे पीछे आप देखोगे लड़के टेनिस खेल रहे हैं, टेनिस खेल सकते हैं, सॉकर, क्रिकेट, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। तो गाइज़, ये यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आप क्रिकेट, फुटबॉल और वॉकिंग वगैरह और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, सब कर सकते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स, आ गए हम, खाना खाने आए, भी हमारी मैच चालू नहीं हुई है। तो हमारे भाई हैं एक प्रशांत भाई, एक और है भाई, कौन से, पोसिंदर भाई है हमारे, एक हमारे अभिषेक भाई है, ये अलग अलग उससे हैं। मैं तो इकोनॉमिक्स से हूँ, आपको पता ही है।
बाकी हमारे भाई पॉलिटिकल साइंस से, ये भाई पॉलिटिकल साइंस से, ये हमारे हिस्ट्री से, और खाली ऑर्डर करिए हमने।